ये जो कल की घटना है, मैं कोई ऐसा कोई कार्यकर्ता ऐसा करता हूँ शायद मैं वहाँ भी नहीं जाता, परंतु यहाँ तो एक चुनाव जो दो बार चुनाव हार चुकी है, लोगों ने उनको नकारा हुआ है, उसकी तुलना उनके साथ ना करें। सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने कांग्रेस नेत्री चंपा ठाकुर को मर्यादा में रहकर राजनीति करने की नसीहत दी है। सरकारी कार्यक्रम में प्रोटोकॉल तोड़ने पर मौके पर चंपा ठाकुर को लताड़ लगाने के बाद अनिल शर्मा ने अब मीडिया में इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी बात रखी। अनिल शर्मा ने बताया कि पूर्व CPS ने भी खुद से पहले उन्हें कैंडल थमाई थी क्योंकि वो प्रोटोकॉल जानते हैं। अनिल शर्मा ने कहा कि उन्हें सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने बताया कि सुंदरनगर में भी चंपा ठाकुर ऐसा ही कर चुकी है। वहां पर भी मंत्री रोहित ठाकुर ने उन्हें अपने बगल से उठाकर विधायक राकेश जम्वाल को बिठाया था। अनिल शर्मा ने कहा कि भीड़ में जबरदस्ती आगे घुसकर जगह नहीं बनाई जाती, बल्कि जगह जनता का दिल जीतकर बनाई जाती है। यहां से चुनाव लड़ा उन्होंने, परंतु वो जिले की नेता बन चुकी है अब, और यहाँ सुंदरनगर के जम्वाल जी मुझे कल सुना रहे थे कि वो सुंदरनगर के कार्यक्रम में गई और वहाँ पर हमारे रोहित ठाकुर जी मंत्री जी वहाँ पर आए थे कार्यक्रम में और बैठ कर रोहित ठाकुर जी के साथ बैठ गए, और वहाँ रोहित ठाकुर जी ने जो है जम्वाल जी को उनको कहा चंपा ठाकुर कि आप उठिए यहाँ से या यहाँ जम्वाल जी बैठे हैं। तो इसका मतलब खुद अंदाज़ा करना चाहिए कि वो किस स्थान पे कब बैठने का उनको बनता है। पार्टी के लिए काम करें, वो पार्टी के लिए करें काम, उसके लिए मुझे कोई इस बात का नहीं कहना, परंतु जो बात कल हुई है मैं उनको कहूँगा कि अपनी मर्यादा में रह कर करें। राजनीति में बहुत जो है लड़ाई लड़नी पड़ती है और हमने लोगों के मर्यादा के रूप में अब लोगों के बीच में काम करके अपनी पहचान दी। अनिल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर और उनकी बेटी चंपा ठाकुर हर जगह यही प्रयास करते हैं कि उन्हें CM, मंत्री या अन्य बड़े नेता से दूर रखा जाए और खुद उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं। चंपा ठाकुर ये भी कहती हैं कि अनिल शर्मा और उनका बेटा उनके बारे में अनाप शनाप बातें कहते हैं। चंपा ठाकुर कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसी दिखा दे मैं मान जाऊंगा। अनिल शर्मा ने आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। जब भी कोई कांग्रेस के कोई नेता आते हैं तो इनका प्रयास और इनके पिताजी का प्रयास, दोनों का प्रयास राज की धक्कम धुक्की करके हमेशा मुझे किसी मंत्री या मुख्यमंत्री से दूर करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि बाप और बेटा दोनों जो हैं मुझे मेरे बारे में जो है को प्रचार करते हैं। एक भी जगह यदि चंपा ठाकुर को वीडियो के माध्यम से मुझे बताया कि कभी मैंने ये कहा है कि वो बदतमीज है, ये लोग कह सकते होंगे, पर मैंने अपने तरफ से कभी किसी के, क्योंकि हमें पता है कि हमने मर्यादा में बात करते हैं और किसी मंच में ये नहीं कहा मैंने कि ये जो है चंपा ठाकुर जो है जिस तरीके की बात कही वैसे मैंने कभी नहीं कहा। लोग कहते होंगे, लोग उनको मेरे बारे में शायद ऐसा बोलते होंगे, तो लोगों की बात हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट मंडी।